आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल भी दिख रहे होंगे जो कि उन लोगों ने बनाए हैं जब वो सीधा कर रहे थे किसी भी फोटो को, और जब उन्होंने उसे उल्टा करके बनाया तो काफी इजीली उन्होंने ड्रॉ किया उसे। आपको लाइन के एंगल, बीच के डिस्टेंस पर ध्यान रखना। ड्रॉइंग की शुरुआत देखने से होती है, ना कि पेपर और पेंसिल को उठाने से। उसे देखना, ऑब्जर्व करना और उसे पेज पर बनते हुए फील करना काम मुश्किल तो लगता है, बट हर एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट इस फीलिंग को अच्छे तरीके से जानता है। बाकी लोगों को कुछ लाइंस, कुछ कर्व्स बनती हुई दिख रही होती हैं, बट आर्टिस्ट उसके दिमाग में वो सारी पेंटिंग पहले से ही बन चुकी है। उसके जहन में वो पूरी पेंटिंग कैनवस पर पहले से ही उतर चुकी है। आपको भी सबसे पहले ड्राइंग करते हुए इस फीलिंग को डेवलप करते रहना है और साथ ही साथ देखने को इम्प्रूव करना है कि कैसे एक आर्टवर्क को बनाने से पहले उसे देखा जाए, क्या ऐसा तरीका होना चाहिए। अपनी आंखों को ट्रेन करना है आपको। उस देखने को इम्प्रूव करना इज वेरी इजी, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम एज वेल। तो उसी के लिए आज की एक्सरसाइज को मेरे साथ करना, कोशिश करना कि उसको उतना ही टाइम दो जितना मैं दे रहा हूं। अगर जल्दबाजी में बनाने की कोशिश करोगे तो वो बन तो जाएगा, बट जो चीज मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ वो फील नहीं कर पाओगे आप। तो आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि ये दो पेजेस चाहिए आपको। आपको चले जाना है आर्ट बाय विनय इंस्टाग्राम पेज पर और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको ये सारी फोटोज मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी काफी सारी फोटोज हैं जो मैं वहां पर अवेलेबल कराने वाला हूं। तो आप वहां पर ज्वाइन कीजिए और इन फोटोज को डाउनलोड कर लीजिए वहां से। उसके बाद आपको एक पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल है मेरे पास, आप दूसरी कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हो, और साथ ही आपको चाहिए सिंपल इरेजर, दैट्स इट। आपको कुछ और चीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज की एक्सरसाइज का मोटिव इतना है कि हम क्या बना रहे हैं उसको बिल्कुल दिमाग से हटा देना है। हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि हम क्या बना रहे हैं उसको नाम देने की बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ उन लाइंस पर, उन कर्व्स पर, उन रैंडम शेप्स पर ध्यान देना है। अगर हम उनकी प्लेसमेंट, डायरेक्शन और बीच में गैप को इक्वल रख देंगे तो हमारी जो ड्रॉइंग है वो काफी अच्छी निकल कर आएगी। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि मैंने इस फोटो को उल्टा क्यों किया है। आपको भी उल्टा ही करना है, सीधा नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप इसे सीधा करोगे ना तो बनाने से पहले आपका दिमाग इसे नाम देना स्टार्ट कर देगा, और नाम जब देगा वो तो आप वो बनाने लग जाओगे जो आपके दिमाग में सेव है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको इसे उल्टा रखे ही ड्रॉ करना है। जब आप इसे उल्टा रखोगे और आप इसे छोटी छोटी चीजों को बनाने लगोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीधा करके इसे बना रहे होते तो आपका ध्यान एक शूज बनाने पर होता, बट जब आप इसे उल्टा कर बना रहे हो इस वक्त आपका ध्यान इन शेप्स पर है, इन लाइंस पर है, इस रैंडम शेप पर होगा। अगर आप ये चीज बना रहे हो तो आपका दिमाग इसको कोई नाम नहीं दे पाएगा, इस एरिए को कोई नाम नहीं दे पाएगा, बट इन रियलिटी अगर हम सीधा करते हैं तो आप इजीली इन्हें नाम दे सकते हो। इन्हें नाम ही नहीं देना है, इस चीज को ही हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है। तो स्टार्टिंग में इसको उल्टा रख के बनाना है। अगर आप बाद में इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका दिमाग यूज्ड टू हो जाएगा कि उनको नाम नहीं देना है बल्कि वैसा ही बनाना है जैसा दिख रहा है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाली ड्राइंग को। जैसे कि यहाँ पर ही मेरे को काफी सारी शेप्स दिख रही हैं, जब हम उल्टा कर देंगे तो हम नाम नहीं दे पाएंगे, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, बट आपको चलना एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए दूसरे पॉइंट तक है। आपको ऐसा नहीं करना है पहले मैं ये बना लिया फिर यहाँ से बना लिया, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको एक पॉइंट से जाकर उसको धीरे धीरे अगले पॉइंट जो उसके उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कराते हुए चलते रहना है बस। अगर मेरे को पहले ये वाली लाइन बनानी है तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस इक्वल रखना होगा, मेरे को वैसा ही रखना होगा जैसा मेरे को दिख रहा है, उसका ध्यान देते हुए चलूंगा मैं। स्टार्टिंग में जैसा भी बन रहा है वैसा बनाना है, कुछ नहीं सोचना है कि अच्छा बन रहा है बुरा बन रहा है, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आप इसे सीधा करके बना रहे होते ना तो इसे बनाना काफ़ी मुश्किल होता, बिलीव मी। आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल भी दिख रहे होंगे जो कि उन लोगों ने बनाए हैं जब वो सीधा कर रहे थे किसी भी फोटो को, और जब उन्होंने उसे उल्टा करके बनाया तो काफ़ी इजीली उन्होंने ड्रॉ किया उसे। आपको भी इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कीजिए। उस लाइन का जितना डिस्टेंस आ रहा है मैं उस पर ध्यान लेकर जा रहा हूँ। मैं जब यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस देखा मैंने कि कितना आ रहा है, और इस पॉइंट से रिलेशन भी बनाया मैंने कि अगर मैं देखूं तो यहाँ से कुछ थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए इसे, तो मैं ऊपर लेकर गया, और जो गलत हुआ है मैं उसे मिटा दूंगा। ये स्टेप ध्यान में रखना कि सबसे पहले आपको ठीक करना है, फिर उसके बाद गलत जो हुआ है आपसे उसे मिटाना है। आपको धीरे धीरे चलते रहना है बस, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते रहोगे वैसे वैसे वो सही बनता रहेगा। गलत भी बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है अभी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय कीजिए, आप प्रोसेस को इन्जॉय कीजिए,
और बीच में किसी भी पॉइंट पर आकर आपको इसे सीधा नहीं करना है। काफी सारे लाइंस आपको कंप्लीट हॉरिजॉन्टल दिखेंगी, कंप्लीट वर्टिकल दिखेंगी, आपको उन्हें वेरीफाई करते हुए चलना है। जिस एंगल पर लाइन दिख रही है उसी एंगल पर बनाना है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं इस वाली लाइन पर ध्यान देता हूँ तो ये वाली लाइन कंप्लीट मेरे को वर्टिकल तो नहीं दिख रही, वर्टिकल से थोड़ा सा नीचे से मेरे को लेफ्ट साइड पर लेकर जाना पड़ेगा इसे, उस पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो मेरे दिमाग में ये वाली लाइन भी आई, ये वाली लाइन भी आई, ये वाली लाइन भी आई, बट अगर मैं ज़्यादा इसे नीचे लेकर जाऊँगा तो यहाँ से यहाँ तक का गैप बढ़ जाएगा। मेरे को वो गैप देखना है जहाँ से यहाँ से यहाँ तक का गैप वो सही होगा। मैंने देखा कि अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक लेकर जाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं सही लग रहा है। अब मेरे दिमाग में इस शेप का कोई नाम नहीं है, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम शेप है। आपको लाइन के एंगल, बीच के डिस्टेंस पर ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं इस एंगल पर आ रहा है तो मैं वो ही करूँगा। दोबारा बोल रहा हूँ, सीधा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ से मेरे को एक यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, तो मैं क्या करूँगा, अब ये वाला पॉइंट देखिए, इस वाले पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये इस वाली लाइन के सेंटर में आ रही है। मेरे को करना क्या है, यहाँ से मेरे को एक, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ कि आई थिंक वो बड़ा लग रहा है। बार बार इन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान लेकर जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करनी है और नाम की बजाय रैंडम शेप्स पर फोकस करना है। यहाँ से यहाँ तक सेंटर ये सीधा गया साइड में और ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मेरे को देखना है यहाँ से यहाँ तक का गैप। ये एक्सरसाइज हर किसी के लिए ज़रूरी है, अगर आप अभी सीख रहे हो उनके लिए भी, और जिनको अभी बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बनाने से, तो सबसे पहले आपको सही तरीके से देखना आना चाहिए। अगर आप उसे देखोगे सही तो आप बनाओगे सही। अब जब मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो इसकी मोटाई भी देखी मैंने। अब देखिए यहाँ से जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे को ये देखना है कि ये कंप्लीट वर्टिकल है या नहीं। अब वो कैसे पता लगेगा, आप दो तरीके से देख सकते हो। पहला एंगल देखो उसका कि वो बिल्कुल सीधा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वर्सेज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा इसे थोड़ा सा सीधा करूँगा। अब ये वाला पॉइंट इससे सीधे में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाते हुए चलना है। और ये वाला पॉइंट यहाँ से इस एंगल पर आ रहा है, इस एंगल पर आ जाएगा ये। दोबारा बता रहा हूँ, कैनवस को रोटेट नहीं करना है। यहाँ पर एक तरह से आपकी आईज ट्रेन हो रही हैं, आपको देखने का तरीका मिल रहा है। क्योंकि बचपन से अभी तक अगर आपने थोड़ा बहुत ड्राइंग की होगी तो प्रॉब्लम यहीं पर आती होगी, जैसा आपको दिख रहा है वैसा आप बना नहीं पा रहे हो, या फिर जब आप एंड में उसे उठा कर देख रहे हो वो वैसा नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पर गलती कहीं ना कहीं, गलती भी नहीं कहूँगा, स्कूल वालों की गलती तो नहीं कहूँगा मैं, बट थोड़ा सा सिखाने में, जब हम स्कूल में ड्राइंग सीखते हैं तो वहाँ पर उस तरीके से नहीं सिखाते वो जिस तरीके से सिखाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को रियलिस्टिक बनाने के लिए या फिर कुछ मुश्किल बनाने के लिए। अब वैसा बनाने से दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बना लेते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं जो बना लेते हैं, बट ज़्यादातर बच्चे नहीं बना पाते। अब उनसे होगा ये कि वो डीमोटिवेट होते हैं, डीमोटिवेट होके वो ड्राइंग को छोड़ देते हैं, वो बनाते ही नहीं है कुछ, वो ड्रॉ करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। यही रीज़न होता है कि ड्राइंग में आगे निकलने वाले बच्चे बहुत कम रह जाते हैं और बाकी फील्ड में अपना ध्यान लेकर चले जाते हैं। वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, हम तो कर ही नहीं पाते हैं ये, हम बनाने कुछ जाते हैं हमसे बन कुछ और जाता है, उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। बट द रियल पार्ट इज उन्हें अभी तक कोई सही तरीके से सिखाने वाला मिला नहीं है। अगर स्कूल लेवल में ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाती तो आप भी आज अच्छी ड्राइंग कर रहे होते। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख रहा हूँ मैं इस वाले लाइन को बनाने के लिए, इस वाली लाइन के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और कई जगह पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, उन्हें बनाना आता है, वो अच्छा बना लेते हैं बट उनमें भी डर बैठा हुआ है, वो फेस ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर वो बनाने जाएंगे तो उनसे कहीं गलत ना बन जाए। काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स को भी मैंने देखा है, जब उन्हें सही टेक्निक के बारे में पता लगा उसके बाद जब उन्होंने फेस बनाया तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। एक रीज़न इसका डर भी हो सकता है, स्टार्ट तो डर से ही होता है वैसे। बचपन में जब आप पहली बार बनाने लगे तो आपसे अच्छा बना नहीं और आपने उसे ज़्यादा आगे ले जाने का सोचा भी नहीं। आपको जो भी लाइन दिख रही है वो आपको एक ही बारी में बनानी है, इस तरीके से ब्रोकन लाइन्स में नहीं बनानी है, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से ना करें। अगर आपको एक ही लाइन बनानी है यहाँ से यहाँ तक तो आपको एक ही बारी में बनानी है, जस्ट लाइक दिस। इसको स्केचिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निक स्केचिंग की होती हैं वो सेम फीचर्स हम इसमें भी फॉलो कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट पर ध्यान देने के बजाय जो चीज़ हमारे हाथ में सबसे पहले आ रही है हम उसे ड्रॉ करते हुए जा रहे हैं, सेम हम स्केचिंग में भी करते हैं।
देखिए इस वाले पोर्शन पर आ चुका हूँ मैं। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनी फीचर्स लाइक लिप्स जॉ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द लाइन। कैसा लगेगा एंड में, अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत टेरिबल निकल कर आने वाला है, ये थॉट्स दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। आ भी रहे हैं तो उनके साथ बैठिए बस। आई नो ये यहाँ तक ज़्यादा ऊपर आ चुका है बट कोई बात नहीं, आप अपनी ड्राइंग करते रहिए। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये पूरी ड्राइंग यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ये हुई ख़त्म। अब मैं इसे सीधा करने वाला हूँ तो देखते हैं कैसा बना है। और मैं देख रहा हूँ उससे पहले कि और कुछ तो नहीं रह रहा, अभी अंदर का ये वाला पोर्शन रह रहा है, थोड़ा सा सीधा करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। थोड़ा सा ये देखिए पोर्शन बड़ा हो चुका है, बट इस ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि आप वो बनाओ जो आपको दिख रहा है। अगर आप इसे सीधा बना रहे होते ना तो फॉर श्योर आप इसमें काफी ज्यादा गलतियां करते हैं। आप ऐसा ट्राई भी कर सकते हो, आप उल्टा बनाने से पहले इस फोटो को सीधा बनाइए, उसके बाद उल्टा ट्राई कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि इस ड्राइंग की, इस टेक्निक की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आई होप इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको बहुत मजा आया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। ये एक्सरसाइज मैंने एक बुक से इंस्पायर होकर की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप भी उसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, जहां पर आपको लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बारे में बहुत डीपली नॉलेज मिलेगी, कैसे राइट ब्रेन का यूज करना है अपनी ड्रॉइंग के लिए और लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा रोक देना है उसे, तो वो किस तरीके से करना है वो आपको इस बुक में बहुत डिटेल में बताया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन पढ़कर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।